मैं हूँ दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। ये जजमेंट दोस्तों हस्बैंड के फेवर में रहा तो ये हस्बैंड्स के लिए बहुत ही यूजफुल रह सकता है। और ये जजमेंट रिलेटेड है दोस्तों अरेस्टिंग से, यानी कि जैसे कि कई बार क्रिमिनल केस होता है जैसे 498A हो गया, 406 IPC हो गया, इन केसेस में जैसे अरेस्टिंग हो जाती है कई बार ऐसे कन्फ्यूजन भी रहता है अरेस्टिंग को लेके दोस्तों। जैसे पहले अरेस्टिंग हो गई, फिर बेल हो गई, फिर उसके बाद फिर से जब चार्जशीट बनी तो फिर से अरेस्टिंग हो गई। तो यहाँ पे इस जजमेंट में इस अरेस्टिंग के कन्फ्यूजन को दूर किया गया है। इस केस में अरेस्टिंग को लेकर हस्बैंड के फेवर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला हुआ है। तो दोस्तों इस जजमेंट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, स्किप ना हो। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा हौसला बुलंद होता है, हमें और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट जजमेंट को। सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी बारीकियों को, इस केस में हुआ क्या। तो कि जो एक्यूज्ड पर्सन था उसने हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया इस ग्राउंड को लेकर कि पुलिस ने उसकी चार्जशीट नहीं बनाई थी निर्धारित समय के दौरान। तो हाईकोर्ट ने उसके इस ग्राउंड को लेकर एक्सेप्ट, इस ग्राउंड को एक्सेप्ट करके उसे बेल दे दी और साथ ही साथ ये भी ऑर्डर किया कि जब पुलिस फाइल कर देगी चार्जशीट कोर्ट में तो उसके बाद उस बंदे की, एक्यूज पर्सन की, वापस से अरेस्टिंग हो सकती है, मतलब फिर से अरेस्टिंग हो सकती है। अब जो एक्यूज पर्सन था वो इस पार्ट ऑर्डर के इस पार्ट के अगेंस्ट गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ों को बहुत बारीकियों से एनालाइज करा, उन्होंने हाई कोर्ट का भी फैसला देखा कि हाई कोर्ट ने किन किन बेसिस पे, किन किन ग्राउंड पे क्या क्या फैसला सुनाया है। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो री अरेस्टिंग का ऑर्डर किया गया था ये ऑर्डर गलत किया गया है और री अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। कि अगर जैसे एक बार अरेस्टिंग हो गई फिर उसके बाद बेल हो गई तो वापस से उस केस में उसके बाद फिर से री अरेस्टिंग नहीं हो सकती जस्ट इस बिहाफ पे कि भाई चार्जशीट फाइल करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइलिंग ऑफ चार्जशीट कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। मतलब कि जैसे कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी तो इस ग्राउंड के बेसिस पे जो उसकी बेल है वो कैंसिल नहीं हो सकती। तो इसका साफ जाहिर है मतलब कि जैसे पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी और उसे बेल मिल चुकी है तो वापस से पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत राहत दी है इस अरेस्टिंग को लेकर कि भाई जैसे री अरेस्टिंग हो जाती थी तो इस जजमेंट के हिसाब से री अरेस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्यूज्ड पर्सन था उसकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया और उसके फेवर में फैसला सुनाया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी भी कंडीशंस इस केस की कंडीशन से मैच करती हैं, कि अगर भय है आपको भी अरेस्टिंग का, तो आप इस जजमेंट का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस जजमेंट में दोस्तों पार्टीज थी कमलेश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस नाम से जजमेंट है। मैं इस जजमेंट का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां आप उसे देख के डाउनलोड करके अपनी पिटीशन में लगा सकते हैं। और अगर आपका केस इससे मिलता जुलता है तो ये आपके काफी हेल्पफुल होगा। तो ये जजमेंट दोस्तों 5 जनवरी 2021 का है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, तो इसे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।